इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। इसे मकई, जनेरा और हम बिहार में इसे बाल भी कहते हैं। इन दोनों तस्वीरों को देखकर फ़र्क महसूस करने की अनुभूति कीजिए। जब तक ये जनेरा कच्चा है तब तक इसकी कीमत कितनी कम है, लेकिन ये जनेरा जब आग की तपन से निकल कर आया है तब इसकी कीमत बढ़ गई है। ज़िंदगी भी इसी का नाम है। जब तक आप कच्चे रहोगे तब तक लोग वैल्यू नहीं देंगे आपको अपने सोसाइटी में। यदि आप चाहते हो कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करो तो ज़िंदगी में तपन के दौर से गुजरना पड़ेगा, ज़िंदगी में उन तमाम कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ेगा। और जब आप कठिनाइयों के आग से तप कर निकलोगे तब ये दुनिया आपकी क्वालिटी और आपकी एबिलिटी को पहचानेगी और तब आपकी कीमत बढ़ जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 31 अगस्त, दिन है आज सोमवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ज़िले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई है 2745। दियरा क्षेत्र में 12 वर्षीय बालक की धर्मावती नदी में डूबने से हुई मृत्यु, काफ़ी प्रयास के बाद निकाला जा सका शव। ट्रक खराब होने के कारण भैंसहा पुल के समीप लगा बड़ा जाम। बक्सर आरा राजमार्ग पर परिचालन पूरे दिन रहा बाधित। थोरा नदी में मिली युवती की लाश, हत्या की जताई गई आशंका। डुमराव के कोविड-19 हॉस्पिटल के चिकित्सकों और मरीज के परिजनों के बीच हुई मारपीट। कोविड-19 के संक्रमण के कारण सादगी से मना मुहर्रम, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। डुमराव के टेड़की पुल के समीप पुलिस दलबल की मौजूदगी में किया गया वाहन चेकिंग और जागरूक किया गया लोगों को पहनने के लिए हेलमेट। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। और सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कोरोना अपडेट अपने ज़िले का। एक जो बड़ी सूचना आपको देनी है वो मैं आपको ये बता दूँ कि एक दौर था जब कोरोना का कोई भी संक्रमण आता था बक्सर एडमिनिस्ट्रेशन अपने पेज से कंप्लीट डिटेल प्रकाशित करता था और पूरे ज़िले के लोगों को बताता था कि कहां से कौन से कितने संक्रमण आ रहे हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने रिकवर्ड हैं। अभी हाल के दिनों में आप बक्सर एडमिनिस्ट्रेशन के फेसबुक पेज पर जब आप जाते हैं तो इलेक्शन से संबंधित सारी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। हाँ, इतना अवश्य कि ज़िला प्रशासन कहता है कि तमाम लोगों को जागरूकता बरतनी होगी, सावधान रहना होगा, तमाम तरीके के नियमों का पालन करना होगा, लेकिन वो जो दौर था जो कोविड-19 के कंप्लीट डिटेल्स दिए जाते थे अब वो डिटेल्स नहीं आते। तो अब हम आपको बता दें कि हमारे ज़िले में संक्रमण की कुल संख्या 2745 है, लेकिन रिकवरी के बारे में कोई नई जानकारी नहीं दी गई है। तो आप ये मानकर चले कि 2500 से अधिक लोगों ने रिकवर्ड कर लिया है, 200 से अधिक केस हमारे एक्टिव चल रहे हैं। ज़िले में मृत्यु 2 हुई है कोरोना के अनुसार, जब तक जिला प्रशासन ने सूचना दी थी। हालांकि उसके बाद एक और मरीज की भी मृत्यु हुई थी जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, और कल भी एक मरीज के मृत्यु होने की खबर आ रही है जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव थी, लेकिन ये मृत्यु के लिस्ट में अभी तक ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है ये हम आपको नहीं बता सकते। कल जो रिपोर्ट्स आए थे उनमें कुल मिलाकर 15 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, और ये प्रमाणित कर रहा है कि हमारे यहाँ संक्रमण का बहुत ही ज़्यादा संख्या घटा हुआ है और रिकवरी का रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बहुत जल्दी हम और आप कोरोना मुक्त होने के कगार पर पहुँच जाएंगे और हम ये कह सकेंगे कि हमारा ज़िला बक्सर कोरोना के संक्रमण से मुक्ति पा चुका है। फिलहाल जो 15 रिपोर्ट आए हैं हम आपको बताना चाहेंगे कि इन 15 रिपोर्ट में बक्सर के सदर अस्पताल से एक व्यक्ति हैं, सोनीपट्टी से 2 लोग हैं और नई बाज़ार से एक व्यक्ति हैं, यानी कि कुल मिलाकर बक्सर से 4 लोगों के संक्रमण की पुष्टि है। वहीं अगर चौसा की बात करें तो चौसा का एक गाँव है नरबतपुर, अकेले इस नरबतपुर गाँव से 4 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। और चौसा का जो हॉटस्पॉट बनते जा रहा है लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, बनारपुर गाँव, बनारपुर से फिर 2 रिपोर्ट्स की पॉजिटिव पुष्टि हुई है। अगर हम बनारपुर के कुल संक्रमण की संख्या आपको बताना चाहें तो 12 लोग हो गए हैं, अभी हालिया में शुरुआत हुआ है और बनारपुर में अच्छे खासे लोगों के अंदर संक्रमण की पुष्टि हो गई है। जो भी इस गांव के ग्रामीण हैं, नागरिक हैं, जनता है, आप लोगों से अनुरोध होगा कि आप अपने आप को इस कोरोना संक्रमण से बचाने का प्रयास करेंगे। डुमराव से एक संक्रमण की पुष्टि है, वहीं इटाड़ी के डेहरिया से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है, ब्रह्मपुर के जवाही जगदीशपुर से एक व्यक्ति हैं, जबकि सीमरी के सहयार से 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। ये उन 15 नए लोगों के डिटेल्स हो गए जिनकी कल रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। दियरा क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बालक की धर्मावती नदी में डूबने से मृत्यु का मामला प्रकाश में आया है, काफ़ी प्रयास किया जा सका तब उनके शव को निकाला जा सका। बताया ये जा रहा है कि उनका नाम भोला कुमार है, उनके पिताजी का नाम ललन कमकर है जो कि चक्की प्रखंड के परसिया गाँव के रहने वाले हैं। उनके गाँव में एक नदी है धर्मावती नदी, जिसको पार करके ही गाँव के ग्रामीणों को खेती करने के लिए भी अपने खेतों तक पहुंचना पड़ता है, नाव की व्यवस्था तक नहीं होती, अधिकतर ग्रामीण पार करके
तैर के पार करते हैं और तब जाकर खेती करने के लिए पहुंचते हैं। एक बांस का पुल उन लोगों ने बनाकर रखा है अपने लिए, लेकिन वर्षा ऋतु में वह पुल उनके काम नहीं आता। उसी नदी के समीप ये बालक पहुंच गया था और चूंकि अभी गंगा का जलस्तर काफ़ी बढ़ा है और गंगा के सहायक नदियों में भी पानी बढ़ा हुआ है, उसी धार में बालक बह गया जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त होने के बाद ब्रह्मपुर विधायक श्री शंभुनाथ यादव भी वहाँ पर पहुँचे, परिजनों से मुलाकात की, उनको ढांढस बंधाया और सहायता देने का आश्वासन दिया। लोगों ने विधायक जी से मांग कर दी कि नदी के इस रास्ते पर पुल बनाया जाए ताकि ग्रामीणों को सहूलियत हो सके, साथ ही साथ मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग करी। वहाँ पर विधायक जी उपस्थित रहे, उनके माध्यम से जो भी हो सकता था उन्होंने करने का प्रयास किया। खबरों को आगे बढ़ाएंगे कि ट्रक खराब हो गया भैंसहा पुल के समीप, जो कि पुराना भोजपुर और बक्सर के बीचों बीच पड़ता है। एक छोटा सा पुल है, अभी सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन उसी छोटे से पुल से और पतले पुल से ही गाड़ियों का आवागमन होता है। एक ट्रक का पहिया खराब हो जाने के कारण वो ट्रक आड़े तिरछे होकर पुल पर ही खड़ा हो गया, जिससे कि परिचालन पूरी तरीके से बाधित हो गया। न कोई उधर जा सकता था, न इधर आ सकता था। लंबे लंबे वाहनों का, बड़े बड़े वाहनों की लंबी कतारें लग गई, पूरा दिन परिचालन बाधित रहा। नया भोजपुर ओपी की पुलिस भी वहां पर पहुंची, चूँकि उनकी सीमा के अंतर्गत याता था मामला। पहिए का मरम्मत कराकर देर रात तक संभवतः जाम को छुड़ाया जा सका। इस बीच जितने भी छोटे वाहन वाले थे उनको अलग रास्ते से अपने अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। कई लोगों ने बक्सर के आगे पड़री पड़ने वाले रास्ते से निकलकर सिमरी होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचना उचित समझा और कुछ लोगों ने नेनुआ मार्ग से रास्ता पकड़कर अपने गंतव्य तक पहुंचना उचित समझा। लंबी जाम लगी रही, यात्रियों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई। ऐसे लोग जो इन नए रास्तों से वाकिफ नहीं है उनको और ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी और तब जाकर पुलिस के प्रयास के बदौलत इस जाम को छुड़ाया जा सका। खबरों को आगे बढ़ाएंगे कि ठोरा नदी में एक युवती की लाश मिली है, हत्या की आशंका भी व्यक्त की गई है। इटाढ़ी पुलिस ने खतीबा पुल के पास से शव को बरामद किया है। पहचानने में ज़्यादा देर नहीं लगी, पता लगाया गया कि डुमराव थाने में एक दिन पूर्व उस युवती के परिजनों के द्वारा सूचना दी गई थी। उनका नाम गीता कुमारी बताया जा रहा है, जिनकी उम्र तकरीबन 24 वर्ष है। उनका विवाह डुमराव प्रखंड के दहीगना गांव के धर्मेंद्र राम के साथ हुआ था और उनका मायका मुफस्सिल थाना के बभनी गांव में पड़ता है। अब परिजनों के अनुसार, चूँकि मायके वालों के अनुसार हत्या की आशंका जताई गई है, तो डुमराव पुलिस के अनुसार ससुराल पक्ष के कुछ सदस्यों को हिरासत में लिया गया है और उनसे जांच पड़ताल की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि हत्या के पीछे का या फिर मृत्यु के पीछे की वजह क्या है। ग्रामीणों से पता करने पर ग्रामीणों ने यह बताया कि अब कुछ कारण के वश उसने अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया और परिजन किसी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, जिससे कि शव को उन लोगों ने ठोरा नदी में फेंक दिया। अभी मामला पुलिस के पास पहुंचा है, पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आगे की जो भी जानकारी आएगी आपको अपडेट दिया जाएगा। खबरों को आगे बढ़ाएंगे कि डुमराव के कोविड 19 हॉस्पिटल के चिकित्सकों और परिजन के मरीजों के बीच मारपीट का मामला उजागर हुआ है। बताया ये जा रहा है कि नया भोजपुर के एक 70 वर्षीय वृद्ध, जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उनको होम आइसोलेशन पर रखा गया था। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो रात्रि के 10 बजे परिजन उनको लेकर कोविड 19 हॉस्पिटल डुमराव में पहुंचे। वहाँ पर चिकित्सकों के द्वारा उनको रेफर कर दिया गया अनुमंडल अस्पताल डुमराव के लिए, ताकि उनके लिए बेहतर उपचार की व्यवस्था की जा सके। अभी ये लोग अस्पताल से निकले भी नहीं थे तब तक कि उस वृद्ध की मृत्यु हो गई, जिससे कि परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। चिकित्सकों के साथ मारपीट भी हुई, तोड़फोड़ भी किया गया। तब तक SDO और SDPO को खबर दी गई। तुरंत SDO और SDPO दल बल के साथ हॉस्पिटल पहुँचे। तब तक लाश को लेकर परिजन वहाँ से अपने घर जा चुके थे। अब मामला क्या है, संक्रमण से अगर मृत्यु हुई है तो मारपीट भी हुआ है, छुआछूत भी एक दूसरे के साथ हुआ है, चिकित्सक भी परेशान है। न केवल इसलिए कि मारपीट हुआ है बल्कि इसलिए भी कि कोरोना संक्रमित परिवार के बीच हाथापाई हुआ है, तो इनके अंदर भी संक्रमण की पुष्टि हो सकती है। अब पुलिस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो मामले की जाँच पड़ताल करे कि वास्तविक वजह क्या थी और अगर कोविड 19 से संक्रमित व्यक्ति थे तो उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई क्यों नहीं की गई। यानी कि एक और मृत्यु यहाँ पर दर्ज किया गया हमारे ज़िले में। अब देखना ही होगा कि ज़िला प्रशासन क्या कोविड 19 से मरे हुए व्यक्तियों के लिस्ट में इजाफा करता है या दो ही तक रोके रखता है। आगे बढ़ेंगे कि कोविड 19 का संक्रमण चल रहा है, तमाम पर्वों को रोक दिया गया है और कल मुहर्रम मनाया जाना था, ताजिया का जुलूस निकाला जाना था, लेकिन पुलिस की सूचना के कारण ताजिया जुलूस को स्थगित करके रखा गया। लोगों ने पूरी तरीके से पुलिस की बात को मानी और संक्रमण की गंभीरता को समझते हुए ताजिया का जुलूस न निकालने का फैसला किया।
इस क्रम में पूरी सादगी के साथ लोगों के द्वारा मुहर्रम के इस पर्व को मनाया गया, एक दूसरे से मिलकर और पगड़ी बांधकर सम्मानित करके इस मुहर्रम पर्व को मनाया गया। इस बीच पुलिस भी रात्रि के समय में फ्लैग मार्च करती रही ताकि कहीं कोई अनहोनी की आशंका न हो। खबरों को आगे बढ़ाएंगे कि डुमराव के टेढ़की पुल के समीप वाहन चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस कड़ी में लोगों के हेलमेट की जांच की जा रही थी, यहां तक कि चार पहिया वाहन चलाने वाले चालकों के सीट बेल्ट की भी जांच की जा रही थी और मास्क की भी पूरी जांच की जा रही थी। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने ये पाया कि न केवल जांच की जा रही है, न केवल जुर्माना वसूला जा रहा है, बल्कि एक बहुत ही अच्छी बात निकल कर आई कि लोगों को जागरूक किया जा रहा था। वहां पर चालान काटना ही पूरा मकसद नहीं था, बल्कि लोगों को यह बताना भी मकसद था कि इस संक्रमण के दौर में और जब वो रोड पर चलते हैं तो उनको किस प्रकार से अपने जीवन की सुरक्षा करनी चाहिए। वहाँ पर मौजूद अधिकारी के द्वारा लगातार लोगों को ये सलाह दी जाती रही कि आप अपने हेलमेट को अपने सर पे रखें, न कि आपके पीछे कोई अगर आपका साथी या संगिनी बैठा है या बैठी है तो आप उनको हेलमेट पकड़ा दें और आप गाड़ी चलाते रहें। ये बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने लोगों को समझाया और लोगों ने उनकी बात को माना भी और कोशिश की कि आइंदा से जब आप सड़क पर चले, बाइक चलाएं, तो हेलमेट अवश्य लगाएं। चार पहिया गाड़ी अगर चलाते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। आपका और हमारा साथ यूँ ही बना रहे, यही दुआ होगी। और चूंकि ये कोरोना काल भी चल रहा है तो हम आपके स्वास्थ्य और अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत नहीं चिंतित हैं। हम प्रयास करें, हमारा ज़िला कोरोना मुक्ति के कगार पर पहुंच चुका है। बहुत ही जल्द वो समय आएगा जब मैं एक न्यूज़ बुलेटिन बनाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि हमारा ज़िला कोरोना से पूरी तरीके से फ्री हो चुका है। वो दिन जल्दी आए मैं आपको ये सूचना दूँ, ये ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। इस कोरोना काल में आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है। और आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।